नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता और मेरे साथ है अनुराग सर। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग दो वीडियो लेके आए थे जिसपे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको बताए, जिस पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको ₹50 हर क्वेश्चन के लिए देना पड़ेगा। मैक्सिमम आप कितने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग किसी एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको बताएंगे कि हाँ, आपको ऑब्जेक्शन को रेज करने का प्रोसीजर क्या है। ओके, चलिए अगली आवाज सर की। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन रेज कैसे करना है, कितने क्वेश्चन पर करना है, और उसमें जो ऑब्जेक्शन का आपको कारण देना है, सबसे बड़ी बात, वो कैसे देना है, प्लस किस जिस ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं उस क्वेश्चन में आपको क्या उसके लिए फिलअप करना है, क्या डेटा यहाँ पे फिल करना है, उस चीज की भी सारी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं सर। देखिए, जब आप सबसे पहले लॉग इन करेंगे sarkaririzult.com में या RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तो आपको यहां पर दिखाई देता है कैंडिडेट लॉगिन का डेटा। अब यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और यहां पर पासवर्ड के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल ली है, जिससे अगली विंडो सर हम लोगों के पास आ जाएगी और कुछ इस तरीके से आ जाती है। ठीक, अब अगर हम यहां पर बात करें ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है, तो आपको तीन वो दिखते हैं, एक कैंडिडेट डिटेल दिखता है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स दिखता है, एक ऑब्जेक्शन दिखता है। तो सर, अब हम लोगों को किस पे क्लिक करना है? ऑब्जेक्शन पर। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ऑब्जेक्शन पर, तो आपके पास यहां पे एक चीज लिख के दिखेगी, क्लिक हियर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो आपको इसको क्लिक कर देना है, क्लिक हियर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन। तो आपके सामने ये एक नया इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। अब जैसे ये नया इंटरफेस खुलकर सामने आ गया, तो जो आपकी डिटेल थी जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करने चाह रहे थे, वो यहां पर रेलवे अपने आप ले लेगा कि लेवल वन है, 6 अक्टूबर 2022 को एग्जाम था, सिर्फ सेकंड थी। अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन दिखाते हैं, आपको कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, कितने क्वेश्चन मैक्सिमम आप ऑब्जेक्शन के लिए लगा सकते हैं, क्या है आगे। तो यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा ये संख्या मैक्सिमम कहां तक जा रही है, 10 तक। यानी कि आप 10 मैक्सिमम क्वेश्चन तक ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, अब मान लीजिए यहां पर मैंने 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन ले लिए जिनके हमें ऑब्जेक्शन रेज करने थे। ठीक, जिस पर हमें ऑब्जेक्शन था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 जिस पर आपने ऑब्जेक्शन लगाया, बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, नहीं तो पैसा चला जाएगा। ठीक, और बहुत ध्यान से, ऑब्जेक्शन नंबर 1 जिस पर आप जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, उस क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी यहां पर अपने उससे सेलेक्ट करोगे। सेम काम आप किसके लिए करोगे, ऑब्जेक्शन नंबर 2 के लिए। फिर उसके बाद यहां पर आपके पास एक नीचे लाइन लिखी होगी, सेलेक्ट द नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन। आप जिस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे सेलेक्ट करने के लिए कि ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट, सभी ऑप्शन रॉन्ग है इसलिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो। इनकरेक्ट और द एम्बिगुअस क्वेश्चन, क्वेश्चन की भाषा जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है क्वेश्चन, उसके लिए आप ऑप्शन रेज कर रहे हैं। मल्टीपल करेक्ट आंसर, एक प्रश्न के कई सारे सही उत्तर हैं इसलिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो। इनकरेक्ट आंसर की, या जिस क्वेश्चन आईडी पर आपने आंसर रेज किया है उसका आंसर रेलवे ने सही नहीं दिया है, तो इसके लिए आप कर सकते हो। और चौथा है रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन इन द सेम सेट, मतलब एक ही सेट में दो क्वेश्चन, उससे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा कम हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा आप लोगों को एक और चीज यहाँ पर फिल करनी है, सिलेक्ट द लैंग्वेज, आपने जिस लैंग्वेज में दिया है, जैसे कि जिस बच्चे का भी मैंने भरा वो या तो इंग्लिश सबके लिए कॉमन है, सबको पता है, और वो कह सकते हो कन्नड़ भाषा दूसरी भाषा, है ना। अगर इंग्लिश सबके लिए कॉमन होगी, हो सकता है कि आपकी दूसरी बिहारी हो सकता है दूसरी गुजराती हो, जो भी आपने भाषा को सेलेक्ट किया हो वो भाषा यहाँ पर भर देना। सेम प्रोसीजर हमें सेट 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ये काम करना है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जा रहा, जैसे देखिए आपने यहाँ देखा होगा मैंने कितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, मैंने 5। तो 5 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली 250 अमाउंट ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके, इसके बाद इस प्रश्नों पर जो बैंक का चार्ज लगेगा वो आपका आपके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हो वो भी कटेगा। ठीक है भाई, ये 250 से अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा कटता है तो घबराना नहीं कि अरे मेरा ज्यादा कट गया, बैंक चार्ज भी लगेगा। हाँ, फिर आपको यहां से देखिए सबमिट कर देना है,
और ये प्लीज सेलेक्ट क्वेश्चन आईडी, क्योंकि हम लोगों ने पूरा डेटा भरा ही नहीं था, यहाँ पर हमने क्वेश्चन आईडी नहीं भरी थी। बाकी आप यहाँ से जैसे ही सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद वो फाइनली हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आपको बैंक डिटेल डालकर अपना पेमेंट कटवाना पड़ेगा। आप जैसे भी कटवाते हैं, एटीएम से कटवाते हैं या फिर अदर कोई भी आप ट्रांजेक्शन यूज करते हैं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक ही आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्शन को रेज करने का तरीका आप लोगों को बताया। जिनको भी करना है करिए, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है वीडियो में कमेंट करके बताइए, हम लोग उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है। नंबर तो आप लोग के पास, हम लोग का है ही। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।